गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोक्सवैगन की टाइगुन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इस गाड़ी का सिग्नेचर कलर जिसको आप गोल्डन कलर भी बोल सकते हैं, और वहाँ पे एक व्हाइट कलर भी खड़ा है। तो मैं आपको दोनों कार्स दिखाने वाला हूँ। जो गाड़ी है वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इसकी जो डिज़ाइन है वो सच्ची में बहुत ही यूनिक है, और एक फास्ट सीटर एसयूवी है। इसके अंदर आपको काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं, और जैसे कि एक फोक्सवैगन की तरफ से आती है तो इसके अंदर आपको एक अच्छी जो ये बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बाकी कार्स के अंदर जो है इसके कंपैरिजन में देखने को नहीं मिलेगी। तो सेफ्टी की चीज़ें जो ये इस गाड़ी को अलग बना देती है इस सेगमेंट से। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का जो है पूरा का पूरा एक रिव्यू लेने वाले हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और ये गाड़ी कैसी वो भी हम देखने वाले हैं। इसकी हम प्राइसिंग भी देखने वाले हैं लास्ट में, बिकॉज ये गाड़ी जो है कल ही लॉन्च हुई है और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी कल ही आई है 23 सितंबर को। सो वीडियो बनाने में एक दिन डिले हो गया है और जो एडिटिंग है उसको और एक दिन लग जाएगा, तो शायद से 25 सितंबर पे वीडियो जो है हमारा आएगा। बट गाड़ी दिखाने से पहले अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और चलिए अभी जल्दी से गाड़ी देखते हैं। सो ये है वो फोक्सवैगन टाइगुन। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का जो लुक बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस गाड़ी की जो ये की भी है, तो इसको हम एक बार अनलॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप DRLs वगैरह भी देख सकते हो, DRLs ऊपर है और जो टर्निंग इंडिकेटर्स है वो नीचे के साइड में है। यहाँ पे पूरा ही zigzag वैसे दिए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इवन मैं गाड़ी की लुक की बात करूँ ना, तो गाड़ी ही जो है पूरी की पूरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने इससे पहले कुछ इस तरह की दिखने वाली SUV इस सेगमेंट में अभी तक नहीं देखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लुक्स जो है इस गाड़ी के, सारी तरफ से गाड़ी जो है परफेक्ट बनाई गई है। तो यहाँ पे आप सामने से भी इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, साइड से भी इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर मैं सामने की ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो ये डिज़ाइन में क्रोम की ग्रिल मिलती है, यहाँ पे आपको जो ये GT की बैजिंग मिलती है, और अगर आप फोक्सवैगन का भी लोगो देखें ना तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो ये लोगो दिया गया है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, यहाँ पे आपको बीच में जो ये पैनो ब्लैक फिनिश मिलती है, और बाकी जो W है वो आपको यहाँ पे क्रोम में लिखा हुआ मिलता है। देन यहाँ पे आप फ्रंट से पूरी लुक देख सकते हैं। अगर मैं हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जो ये LED रिफ्लेक्टर लैम्प मिलते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपको जो ये टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ऊपर यहाँ पे आपको जो ये DRLs मिलती है। तो एक बार मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑन करके बताता हूँ, उससे पहले आप यहाँ पे नीचे भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको नीचे जो ये फॉग लैम्प मिलता है, जो कि एक हैलोजन फॉग लैम्प है, और यहाँ पे आपको फिर से जो ये थोड़ी सी क्रोम की ट्रीटमेंट मिलती है। अगर आप फ्रंट बम्पर देखें ना तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको अगेन फिर से थोड़ी सी जो ये पैनो ब्लैक फिनिश मिलती है, जिससे जो गाड़ी की लुक है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और वैसे तो ये है भी एक प्रीमियम कैटेगरी की SUV। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। फोक्सवैगन ने बहुत ही तगड़ा काम किया इस गाड़ी के ऊपर। जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर बताने वाला हूँ। वैसे मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये एक GT+ मॉडल है, मतलब ये एक टॉप एंड मॉडल है इस गाड़ी का। इसकी जो प्राइस है ये अराउंड 17.5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है, जो कि एक शोरूम प्राइस है। देन गाड़ी का एक बार आप साइड लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से लगती है। ये है कुछ तो भी गोल्डन कलर, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर डालूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नाम नहीं रखता किसी कलर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड मिरर के अंदर भी आपको जो ये टर्निंग इंडिकेटर मिलता है, और जो साइड मिरर का कलर है ना वो भी गाड़ी के कलर से मैच है। यहाँ पे आपको अगेन GT की बैजिंग मिलती है, क्रोम की थोड़ी सी ट्रीटमेंट मिलती है, और जो डोर हैंडल्स है उसके ऊपर भी आपको जो ये क्रोम की ट्रीटमेंट मिलती है, और इसके अंदर आपको जो ये एक कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसको बस आपको दबाना है, गाड़ी लॉक हो जाएगी, और फिर से अगर आप दबाओगे तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी। सो अंदर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो इस गाड़ी की सारी लुक्स दिखा देता हूँ, बिकॉज पीछे से भी गाड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसके जो ये लैम्प्स ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से जो इसकी टेल लैम्प्स है ना, वो यहाँ से वहाँ तक पूरी आपको जो ये लाइन के साथ, मतलब एक कंप्लीट आपको जॉइंट ये देखने को मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत लगता है, मुझे डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक लगा। पोर्श वगैरह ऐसी तगड़ी तगड़ी कार्स में डिज़ाइन आता है, और आपको ये गाड़ी में जो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। गाड़ी जो है सारे एंगल से बहुत ही खूबसूरत लगती है। इवन ये गाड़ी जो ये Škoda Kushaq के ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, और कुछ उसी की तरह आपको इसके अंदर फीचर मिलते हैं, जैसे कि इसके भी आप जो ये दो सिलेंडर कट ऑफ कर सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। और बट इस गाड़ी के जो लुक्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े है वो गाड़ी से, मैं सच में बोल रहा हूँ। ये गाड़ी आप पर्सनली आके देखो, एक बार आप
स्कोडा कुशैक, और इसको साइड साइड में रख के देखो दोनों कार्स के अंदर आपको कौन सी पसंद आती है वो भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से जो टेल लैंप्स है वो तो मैंने आपको दिखा दी है, कुछ इस तरह से लगती है। यहाँ पे आपको टाइगन की जो ये पीछे बैजिंग मिलती है, देन यहाँ पे आपको GT की बैजिंग मिलती है, और रेयर वाइपर भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, डिफॉगर्स भी मिल जाते हैं पीछे। ऊपर आपको यहाँ पे जो ये स्टॉप लैम्प मिलता है, ऊपर आपको टॉप के ऊपर जो एक शार्प फिन एंटीना मिलता है, और जो यहाँ पे इसकी पीछे से लुक है ना वो आप देख सकते हैं। पीछे भी आपको जो ये काफ़ी सारी क्रोम की फिनिश मिलती है, और ये गाड़ी जो ये ड्यूल एग्जस्ट के साथ आती है, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको इस गाड़ी के अंदर जो ये ड्यूल एग्जस्ट मिलता है, और जैसे कि फोक्सवैगन की तरफ से आती है, जर्मन बिल्ड क्वालिटी है, तो सारी ओर से आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक काफ़ी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी एक आपको काफ़ी अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगेन आप फिर से एक बार साइड से लुक देख सकते हैं, जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के अंदर, सो आपको लेग स्पेस वगैरह का कोई भी इसके अंदर जो है दिक्कत नहीं आने वाली। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप अलॉयज देखें ना तो किसी गाड़ी से मैच करते हैं तो गेस करो कौन सी गाड़ी से मैच करते हैं। देन सामने की साइड में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे के साइड में ड्रम ब्रेक्स है, और जो कैलिपर्स है ना वो भी रेड कलर में है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 17 इंचेस के अलॉयज है, आप यहाँ पे टायर साइज़ भी देख सकते हैं 205/55R17। एंड अभी हम चलते हैं डायरेक्टली इस गाड़ी के अंदर। सो उससे पहले आप फिर से एक बार गाड़ी के सामने से लुक देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको DRLs अभी दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में यहाँ पे जो है DRLs है। एक्चुअली मुझे पर्सनली ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मुझे पर्सनली जो ये फोक्सवैगन की कार्स बहुत पसंद रहती है, और ये एक मतलब पीस ऑफ आर्ट आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है गाड़ी के अंदर, और जो फीचर्स है वो मतलब आपको बाकी कार्स जैसे ज़्यादा भरे हुए फीचर्स तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट जितने काम के हैं उतने फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा भर भर के फीचर्स ज़्यादा पसंद तो नहीं है, तो मैं तो यही गाड़ी प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पे आप डोर के अंदर फिर से एक बार देख सकते हैं, इंटीरियर का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताना भूल गया, ग्रे एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिलती है। देन अगर मैं डोर के अंदर बात करूँ तो डोर के अंदर आपको जो ये यहाँ पे जो ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, और बाकी बस ये जो ओवर वी एम से उसके आपको जो यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं। एक बार मैं इसके जो लैम्प्स है वो बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पे गाड़ी आप अंदर से पूरी ही देख सकते हैं। यहाँ पे कल ही जैसे कि ये गाड़ी लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे इसका जो ये अभी कुछ मतलब सेफ्टी की जो चीज़ें है प्लास्टिक वगैरह वो अभी तक नहीं निकला है, और कोविड की वजह से भी ये लगा के रखते हैं, तो मैं नहीं निकालूंगा, बट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सीट का भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लेदर की फिनिश मिलती है, यहाँ पे फैब्रिक की फिनिश मिलती है, और मुझे पर्सनली जो ये लेदर सीट कवर से ज़्यादा फैब्रिक सीट कवर्स पसंद है, तो मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिकॉज इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ, अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जाते हो और अगर मतलब आपको गाड़ी के अंदर ही बैठना है, तो जो लेदर की सीट कवर्स रहती है ना उनसे काफ़ी इरिटेशन हो सकती है, और जो फैब्रिक की सीट कवर्स रहती है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, जिसकी आप घर पे बैठते हो, सोफ़ा के ऊपर बैठते हो, अगर आपके सोफ़ा के ऊपर कोई मतलब ऐसा कपड़ा रहता है तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इवन लेदर से, तो वो एक चीज़ है। देन अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ ना, तो डैशबोर्ड भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बनाया है। एक बार मैं इसकी रीडिंग लैम्प जो ये ऑन कर लेता हूँ, ऊपर आपको यहाँ पे जो ये रीडिंग लैम्प्स मिलती है, और यहाँ पे आप लाइट थोड़ी सी मतलब कम है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर कलर की यहाँ पे ऊपर के साइड में फिनिश है, और यहाँ पे जो ये कार्बन फाइबर आपको फिनिश मिलती है। डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है ना वो अगेन फोक्सवैगन होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कहीं पे भी आपको कॉस्ट कटिंग वगैरह यहाँ पे अंदर सेफ्टी के अंदर आपको कॉस्ट कटिंग कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि बाकी सुजुकी या कोई कार्स करते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। सो अगर आपको अपनी जान प्यारी हो तो आप कुछ इस तरह की गाड़ी ले सकते हैं, बिकॉज सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसी वजह से मैंने जीप के अंदर भी कहा था कि जीप के अंदर आपको ज़्यादा जो ये सेफ्टी मिलती है, इवन वो गाड़ी जो है थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है। सो यहाँ पे आप ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं, ग्लोव बॉक्स की जो वेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, मतलब जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो है प्लास्टिक यूज़ किया है, और ये कूल ग्लोव बॉक्स है, मतलब ये ठंडा होता है, तो इसके अंदर आप कुछ अपनी कैंस वगैरह जो बॉटल वगैरह रहते हैं वो आप इसके अंदर जो है रख सकते हैं। देन एक बार मैं गाड़ी जो है स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके लिए मैं डोर खोलता हूँ और आपको जो है इंजन की आवाज़ भी सुनाता हूँ। सो गाड़ी का मैंने इंजन स्टार्ट किया है, आपने आवाज़ सुनी, इवन ये एक पेट्रोल कार है बट बाहर से आपको थोड़ी सी जो है नॉइज़ सुनाई देगी, बिकॉज बहुत ही पावरफुल इंजन है, बट अंदर के साइड में आपको केबिन के अंदर जो है बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है,
मुझे इंजन की अभी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे एक बार आप स्टेयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का देख लीजिए, बहुत ही स्मूथ स्टेयरिंग है, ऑपरेटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एंड अगर आप यहाँ पे भी लोगो देखें ना, तो थोड़ा सा चेंज किया है फोक्सवैगन, आपको एक मतलब एक एम्बॉस यहाँ पे फोक्सवैगन का क्रोम में लोगो मिलता है। और अगर आप स्टेयरिंग के ऊपर भी कंट्रोल्स देखें ना, तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स है, काफ़ी मतलब अलग सा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल्स इसके ऊपर आपको दिए गए हैं, और भी कई सारे कंट्रोल्स हैं। और यहाँ से आप जो ये कुछ व्यू वगैरह यहाँ का चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी यहाँ पे जो ये अगर मैं कुछ रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी शायद से गाड़ी स्टार्ट नहीं, मतलब आगे नहीं जा रही, गियर में नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पीड में नहीं दिखेगा। सो एक बार हम फिर से व्यू चेंज कर लेते हैं। सो दो तीन व्यूज़ इसके अंदर आपको मिलते हैं। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की भी बात करूँ ना, तो आपको फुल यहाँ पे जो ये एक डिस्प्ले मिलता है। एक्चुअली डिस्प्ले जो ये इतना ही है, बट यहाँ पे कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले लगता है, बट ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको डिस्प्ले मिलता है। मे बी अभी कन्फ्यूज़ हो गया था, तो यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। रेड कलर की आपको इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब चीज़ें मिलती है। इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो भी रेड कलर में है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि इस गाड़ी की जो लुक है वो और भी स्पोर्टी लगती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रेड कलर की पूरी लाइटिंग है। और ये डिस्प्ले कितने टाइम से जो ये लॉक हो चुका है, तो अभी 4 मिनट्स बाकी है, तो 4 मिनट बाद हम इसको ऑन करेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको यहीं पे वोकली बता देता हूँ। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और वो सारी चीज़ें तो मिल ही जाती है, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, तो यही तो इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी आप क्या देख सकते हैं इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ ना, तो मतलब काफ़ी प्रीमियम स्टाइल का आपको इंटीरियर मिलता है। गाड़ी को एक बार मैं बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर आप इसका सेंट्रल कंसोल देखें ना, तो यहाँ पे आपको जो ये एक वायरलेस चार्जर मिलता है। और जो गियर बॉक्स है, ये एक 7-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, DSG गियर बॉक्स है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्कोडा और फोक्सवैगन का जो DSG गियर बॉक्स रहता है ना, वो बहुत ही परफेक्ट रहता है, बहुत ही तगड़ा फील देता है गाड़ी ड्राइव करते समय। एंड गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो अगेन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर अगर हम आए हैं, तो ये चीज़ तो आपको काफ़ी अच्छी मतलब मिल जाती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इससे जो ये काफ़ी बढ़ जाता है। देन एसी की अगर मैं वेंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे के साइड में जो है 2 AC वेंट्स मिलते हैं, साइड में आपको एक एक मिलते हैं, मतलब 4 AC वेंट्स आपको साइड में मिल जाते, मतलब 4 AC वेंट्स आपको सामने के साइड में मिल जाते हैं। और जो कूलिंग है वो भी काफ़ी तगड़ी है। देन नीचे अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो AC के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी जो है फिजिकल बटन्स नहीं मिलते, तो ये आपको एक काफ़ी मतलब बुरी चीज़ मिलती है मैं आपको बोल सकता हूँ। बिकॉज कई टाइम क्या होता है कि डिस्प्ले हैंग होता है या कुछ भी होता है, तो आपको फिजिकल बटन जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ऑपरेट करने के लिए। सो ये एक मुझे काफ़ी मतलब बुरी चीज़ लिखी इसके बारे में। इस गाड़ी के अंदर वैसे बुरी चीज़ें ज़्यादा बताने लायक नहीं है, बट कुछ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देन ऊपर अगर आप देखें, तो एक छोटी से साइज़ का आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। इवन अभी क्रेटा वगैरह में पूरा ही आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, बट इसके अंदर आपको जो है इतने ही साइज़ का जो है सनरूफ मिलता है। बट सेफ्टी के लिए ये चीज़ जो है, मतलब छोटा सनरूफ होना भी एक सेफ्टी का एक रीज़न रहता है। बिकॉज अगर आप पूरी ऊपर से कांच लगा दो और ऊपर से कुछ गिरे, तो आपकी सेफ्टी जो है कुछ भी नहीं रहती है। तो मैं तो बोलूँगा कि गाइज सिर्फ इतने ही साइज़ का सनरूफ लो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो। एंड बाकी इंटीरियर तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप के लिए एक बटन मिलता है, और जो यहाँ पे लीवर्स है इसके वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखें, तो आपको जो ये एक डेड पेडल भी मिलता है, और दो पेडल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन अभी भी 1 मिनट बाकी है डिस्प्ले अनलॉक होने में, तो तब तक मैं आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और स्पेशल बातें बताता हूँ। तो जैसे कि स्कोडा कुशा के अंदर एक सिस्टम आता था, मतलब एक फीचर आता था, जिससे जो 2 सिलेंडर है गाड़ी के वो कट ऑफ होते थे, उससे जो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की वो बढ़ जाती थी और पावर थोड़ी कम मिलती थी आपको। तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको सेम फीचर मिलता है। ये गाड़ी की भी आप फ्यूल एफिशिएंसी बचाने के लिए जो ये इसके भी 2 सिलेंडर कट ऑफ कर सकते हैं। 4 सिलेंडर इंजन है, 1.5 लीटर का 1500 cc का इंजन है। मतलब इस गाड़ी की अगर मैं पावर की बात करूँ ना, तो इसके अंदर आपको 150 PS की जो ये पावर मिलती है, बिकॉज ये एक 1.5 लीटर के इंजन के साथ आती है। ये गाड़ी 1 लीटर के इंजन के साथ भी आती है, तो उसके अंदर आपको जो ये 115 PS की जो ये पावर मिलती है। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 250 Nm का जो ये टॉर्क मिलता है, और जो 1 लीटर के इंजन के साथ आती है उसके अंदर आपको 178 Nm का जो ये टॉर्क मिलता है। तो ये आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं दोनों कार्स के अंदर पावर वगैरह के अंदर। वो गाड़ी के अंदर आपको जो ये इंजन कट ऑफ का फीचर नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका जो इंजन है वो 3 सिलेंडर वाला रहता है, तो उसके अंदर वो चीज़ देखे भी मतलब नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें। देन यहाँ पे अगर आप हैंड रेस्ट देखें, तो इसके अंदर भी जो ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है,
और यहाँ पे एयर केयर है, मतलब शायद से इसके अंदर भी जो है आपको क्रेटा जैसा एक एयर फिल्टर मिलता है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने देखी है, बट ये डिस्प्ले जो है अभी अभी अनलॉक हुआ है, तो एक बार मैं आपको ये डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। सो काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले मेरे को लग रहा है। एंड देन यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की है। एक बार हम साउंड क्वालिटी भी सुनते हैं, बिकॉज मैंने कल सुना था इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा जो ये साउंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल बटन ना होने की वजह से आपको कई बार दिक्कत आ सकती है वॉल्यूम अप डाउन करने में, तो यहाँ पे आपको यही से जो ये वॉल्यूम अप डाउन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको जो है साउंड इसके अंदर मिलता है। बेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, और मैंने जैसे कि कहा था एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। नेविगेशन भी आपको इसके अंदर इनबिल्ट ही मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें म्यूज़िक का एक आपको सेपरेट यहाँ पे मिलता है, देन यहाँ पे कॉलिंग वगैरह की भी आपको एक फीचर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल सारी कार्स में आती है, तो मैं आपको वो पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज डिस्प्ले सारी गाड़ियों के ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो ये कुछ चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। ऊपर आपको यहाँ पे जो है ट्विटर्स भी मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और डोर के अंदर आपको नीचे के साइड में यहाँ पे जो है स्पीकर्स वगैरह का सेटअप मिलता है। अगर मैं बोनट की बात करूँ, तो मतलब हुड की बात करूँ, इंजन बे की बात करूँ, तो यहाँ से आप जो है वो खोल सकते हैं। सो मैंने खोल के रखा है, बट मैं आपको सबसे पहले पीछे की सीट्स दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इंजन दिखाऊंगा इस गाड़ी का। देन ये है इस गाड़ी की रेयर साइड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने कल इस गाड़ी की ना काफ़ी सारे फीचर्स देखे थे, तो गाड़ी के अंदर जो है लेग स्पेस आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। इस बार फोक्सवैगन की कार्स के बारे में कई लोगों की शिकायत रहती है कि गाड़ी के अंदर लेग स्पेस कम रहती है, तो इसके अंदर अभी आप देखिए मेरी हाइट जो है 5.11 है। मैं आगे भी कंफर्टेबली बैठा था, पीछे भी मैं अभी यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ, और तभी भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे बची है। पीछे आपको जो है दो USB-C पोर्ट्स मिलते हैं, आगे भी आपको जो है दो USB-C पोर्ट मिलता है। मैं आपको वहाँ पे बताना भूल गया, बिकॉज मुझे वो हाइट से दिख रहा नहीं था, तो यहाँ से अभी मुझे को दिख रहा है। वहाँ पे आपको दो USB-C पोर्ट मिलता है, एंड यहाँ पे आपको जो है दो आपको जो है एयर वेंट्स मिलता है, एसी के वेंट्स मिलता है। कूलिंग इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, एसी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। और यहाँ पे दो कप होल्डर्स है। पीछे की अगर आप सीट देखें ना, तो पीछे की भी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, और यहाँ पे जो डोम रहता है ना वो आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलता है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको मतलब दिक्कत नहीं होगी उस वजह से। देन ऊपर यहाँ पे आपको पीछे के साइड में भी रीडिंग के लैंप्स मिलते हैं, रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, दो रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं। और जैसे कि इसका जो सनरूफ है ना वो यहाँ पे बीच में के साइड में जाता है, तो यहाँ पे आपको जो है हल्का सा बम्प देखने को मिलेगा, बट उसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको जो हेडरूम है वो काफ़ी अच्छा इस गाड़ी के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे आप एक बार हेडरूम भी देख सकते हैं। मेरी हाइट जो है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरी हाइट है 5.11, तभी काफ़ी मतलब आपको अच्छा इसके अंदर जो है हेडरूम मिल जाता है। सो पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह से है। इसका हम और एक कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको ये गाड़ी चला के भी बताऊंगा, और इसके जो रियल फीचर्स है वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज शोरूम के अंदर इतनी सारी चीज़ें बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम खुद ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और बाद में आपको बताएंगे, तो वो भी एक रिव्यू हमारा आने वाला है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको जो ये हुड खोल के दिखाता हूँ। एक हाथ से उठाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही हैवी आपको ये हुड यहाँ पे देखने को मिलता है इस गाड़ी का। बोनट यहाँ पे देखने को मिलता है। देन ये है इस गाड़ी का इंजन 1.5 लीटर का। यहाँ पे आप इंजन देख सकते हैं, और एक बार मैं इसको बंद कर लेता हूँ। एक्चुअली बंद होते टाइम भी काफ़ी मुश्किल रहता है। यहाँ पे आप गाड़ी की फिर से एक बार कंप्लीट लुक देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इस गाड़ी की जो ये प्राइसिंग बताने वाला हूँ, तो इस गाड़ी की जो बेस मॉडल की प्राइस है ना वो स्टार्ट होती है अराउंड 10.5 लाख रुपीज, मतलब 10.5 लाख से ये गाड़ी जो ये स्टार्ट होती है। बट उसके अंदर आपको जो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं आएंगे, LED हेडलैम्प्स नहीं आएंगे, लेकिन ऊपर जो सनरूफ वगैरह रहता है वो भी आपको नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी, सिर्फ ये टॉप मॉडल में ही आती है, हाईलैंड में आती है। तो यहाँ पे आप कुछ गाड़ी देख सकते हैं फिर से एक बार। और अगर आपको आज के वाले वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और एक बार मैं आपको व्हाइट वाली गाड़ी भी दिखाता हूँ, बिकॉज इसका जो लुक है ना वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है, बट ये वाला थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ पे एक बार आप व्हाइट वाला भी देख सकते हैं, व्हाइट वाली कार भी देख सकते हैं। ये भी एक सेम मॉडल है, GT+ मॉडल।
तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको गाना सुनना हो तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो फिर से एक बार आप पीछे से भी लुक देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ए सी एम सिंह वीडियो में, तब तक के लिए बाय। To leave this town, 'cause daily I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh.